वेलकम टू नर्सिंग डिस्कशन मेडिकल सेंटर। और आज की वीडियो में हम रीनल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ यूरेटर्स आर, आपको बताना है जो यूरेटर्स होते हैं उसकी क्या लेंथ होती है। आपके ऑप्शंस है 8 to 12 सेंटीमीटर, 25 to 30 सेंटीमीटर, 40 to 50 सेंटीमीटर और 10 to 20 सेंटीमीटर। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इन द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 25 to 30 सेंटीमीटर जो है यूरेटर्स की लेंथ होती है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज वेट ऑफ किडनी इज, आपको बताना है जो किडनी होती है उसका टोटल कितना वेट होता है। आपके ऑप्शन है 150 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम या फिर 80 ग्राम। सो इसका जो राइट आंसर है वह है 150 ग्राम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी इज़, आपको बताना है जो एक्सक्रीटरी यूनिट होती है किडनी की उसे हम क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शन से नेफ्रॉन, हेनलेस लूप, बोमेंस कैप्सूल या फिर ग्लोमेरुलस। सो सोचिए आप एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी इज़, आपके ऑप्शन से नेफ्रॉन, हेनलेस लूप, बोमेंस कैप्सूल या फिर ग्लोमेरुलस। सो इसका जो राइट आंसर है वह है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है एक्सक्रीटरी यूनिट होती है किडनी की। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज़ लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा इज़, आपको बताना है जो फीमेल यूरेथ्रा होता है उसकी कितनी लेंथ होती है। आपके ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। और इसका जो राइट आंसर है वह है 4 सेंटीमीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द ब्लड वेसल्स एंटरिंग द ग्लोमेरुलस इज़ नॉन एस, आपको बताना है ब्लड वेसल जो कि एंटर करती हैं ग्लोमेरुलस में उसको हम क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शन है एफेरेंट, इफेरेंट, रीनल आर्टरी और रीनल वीन। सो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आपको उन ब्लड वेसल्स का नाम बताना है इसमें जो कि एंटर कर रही हैं ग्लोमेरुलस में। सो इसका जो राइट आंसर है वह है एफेरेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द ब्लड वेसल्स लीविंग द ग्लोमेरुलस इज नॉन एस, आपको बताना है उन ब्लड वेसल्स के बारे में जो कि लीव करती हैं ग्लोमेरुलस को। आपके ऑप्शन है एफेरेंट, इफेरेंट, रीनल आर्टरी और रीनल वीन। सो इसका जो राइट आंसर है वह है इफेरेंट। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज़ पेयर पैचेस आर फाउंड इन, आपको बताना है जो पेयर पैचेस होते हैं वो कहाँ पर फाउंड आउट होते हैं। आपके ऑप्शन है स्टोमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। सो इसका जो राइट आंसर है वो सोचिए आप क्या हो सकता है। इन द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एट क्वेश्चन इज़ डायफेग्राम इज़ सप्लाइड बाई विच नर्व, आपको बताना है जो डायफेग्राम होता है वहाँ पर किस नर्व की सप्लाई होती है। आपके ऑप्शन है फ्रेनिक नर्व, इंटरकोस्टल, पैरोनियल या फिर वेगस नर्व। सो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फ्रेनिक नर्व। नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन इज़ GFR इज़ इंक्रीज्ड बाय, आपको बताना है जो GFR होता है यानी कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो इंक्रीज्ड होता है किसकी वजह से। ANP डेट इज़ एंटीनेटोटिक पैप्टाइड, वैसोप्रेसन, हिस्टामाइन या फिर एंडोथीलियम। सो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इन द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ANP डेट इज़ एंटीनेटोटिक पैप्टाइड। नाउ द टेंथ क्वेश्चन इज़ बेस्ट मेजर फॉर GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के लिए जो बेस्ट मेजर है वो क्या है। सीरम क्रिएटिनिन, यूरिन आउटपुट, बर्न डेट इज़ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या फिर PAN जिसको हम पॉलीअर्थराइटिस नोडोसा भी बोलते हैं। सो इसका राइट आंसर सोचिए, बेस्ट मेजर फॉर GFR इज़, एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सीरम क्रिएटिनिन। नाउ द 11th क्वेश्चन इज़ अ पेशेंट वेट 50 kg वुड बी सस्पेक्टेड ऑफ ओलिगूरिया इफ़ द हार्डली यूरिन आउटपुट इज़, आपको बताना है एक पेशेंट है जिसका वेट 50 kg है वो सस्पेक्टेड है ओलिगूरिया के लिए इफ़, अगर यानी कि जो हार्डली यूरिन आउटपुट है उसका वो कितना आ रहा है। आपका ऑप्शन है 15 ml, 25 ml, 35 ml और 45 ml। सो इसका जो राइट आंसर है वह है 15 ml। नाउ द 12th क्वेश्चन इज़ स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड इन ब्लड पीएच रेगुलेशन इन, आपको बताना है
उन स्ट्रक्चर्स के बारे में जो कि ब्लड पीएच रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। आपके ऑप्शंस है किडनी, ब्लड प्लाज्मा, लंग्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑल ऑफ द अबव। नाउ द 13th क्वेश्चन इज ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ। आपको बताना है ईच किडनी यानी कि हम टोटल पेयर में जो किडनी होती हैं डेट इज़ इन वन पेयर, दो किडनीज हमारी होती हैं, तो उनमें से एक जो हमारी किडनी होती है वो कितने नेफ्रॉन्स को कंसिस्ट करती है। आपके ऑप्शंस है 10,000 नेफ्रॉन, 1 billion, 1 million नेफ्रॉन्स या फिर 1,000 नेफ्रॉन्स। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 million नेफ्रॉन्स। नाउ द 14th क्वेश्चन इज़ नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज़। आपको बताना है जो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूरिन की वह कितनी होती है। आपके ऑप्शंस है 1.010 टू 1.030, द सेकेंड ऑप्शन इज़ 1.001 टू 1.50, द थर्ड ऑप्शन इज़ 1.05 टू 1.5 एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज़ 1.05 टू 1.8। सो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट दैट इज़ 1.010 टू 1.030। नाउ द 15th क्वेश्चन इज़ नॉर्मल GFR रेट यानी कि नॉर्मल जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कितना होता है। आपको ऑप्शंस है 60 ml पर मिनट, 80 ml पर मिनट, 120 ml पर मिनट या फिर 180 ml पर मिनट। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 120 ml पर मिनट। नाउ द 16th क्वेश्चन इज नॉर्मल रेंज ऑफ pH ऑफ यूरिन इज़। आपको बताना है जो नॉर्मल रेंज होती है यूरिन के pH की वो कितनी होती है। आपके ऑप्शंस है 4.5 to 8.0, 4.0 to 6.0, 6.0 to 7.0 और 7.0 to 8.0। सोचिए जो नॉर्मल रेंज है यूरिन के पीएच की वो कितनी होती है और इसका जो राइट आंसर है वह है 4.5 to 8.0। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ नॉर्मल यूरिन इज़। आपको बताना है जो पीएच होता है नॉर्मल यूरिन का वो कितना होता है, मतलब अभी हमने देखा था कितना होता है, अब आपको बताना है कि वो एसिडिक या फिर अल्कलाइन में से क्या होता है। आपके ऑप्शंस है स्लाइटली अल्कलाइन, स्लाइटली एसिडिक, हाईली अल्कलाइन या फिर हाईली एसिडिक। सो इसका राइट आंसर सोचिए आप क्या हो सकता है। अभी हमने जो है इससे प्रीवियस क्वेश्चन में देखी थी उसकी रेंज, इसकी रेंज जो है वो 4.5 to 8.0 है, तो आप सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। इससे आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं वो क्या हो सकता है, वो स्लाइटली एसिडिक जो पीएच होगा वो क्या होगा, स्लाइटली एसिडिक होगा। नाउ द 18th क्वेश्चन इज़ विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉर्मली फाउंड इन यूरिन। आपको बताना है नॉर्मली हमारे यूरिन में क्या फाउंड आउट होता है। आपके ऑप्शंस है प्रोटीन, ग्लूकोज, RBC और क्रिएटिनिन। सो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फोर दैट इज़ क्रिएटिनिन जो है नॉर्मली फाउंड आउट होता है यूरिन में। नाउ द 19th क्वेश्चन इन अ डिहाइड्रेटेड क्लाइंट यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी। आपको बताना है जो एक डिहाइड्रेटेड क्लाइंट है उसकी जो यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या होगी। आपके ऑप्शंस है एलिवेटेड, डिक्रीज्ड, नॉर्मल या फिर अनप्रिडिक्टेबल। सो आप सोचिए एक डिहाइड्रेटेड क्लाइंट है यानी कि उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, सो सोचिए उसकी जो यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या होगी, दैट इज़ एलिवेटेड, वो जो है एलिवेटेड होगी क्योंकि जो किड जो मतलब ह्यूमन बॉडी है जो किडनीज है वो स्टोर करना स्टार्ट कर देगी जितने भी, ताकि जो भी एसेंशियल जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका जो है मिनिमम अमाउंट में लॉस होए। नाउ द 20th क्वेश्चन इज़ टाइप ऑफ कीटोन्स प्रेजेंट इन ब्लड यूरिन इज़। आपको बताना है टाइप्स ऑफ कीटोन जो कि प्रेजेंट होते हैं ब्लड डेट इज़ यूरिन में। आपके ऑप्शंस है एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड बोथ A and B या फिर नन ऑफ द अबव। सो आप सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन थर्ड दैट इज बोथ A and B। नाउ थैंक यू एंड इफ़ यू लाइक माय चैनल एंड माय वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कांट मिस एनी ऑफ माय अपडेट्स एंड ऑल्सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो टू बी यूजफुल देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।